धार नगरी में तेज धूल भरी आंधियों का दौर थमने के बाद एक बार फिर से तेज गर्मी व उमस ने आमजन को परेशान करना शुरू कर दिया है। तेज उमस का दौर सुबह से शुरू हो जाता है जो देर शाम तक जारी रहता है। तेज गर्मी व उमस के बाद थारवासी अब इंद्रदेव से बारिश की प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में मौसम बदलने का दौर जारी है। पिछले 15 दिनों से धूल भरी आंधियों के दौर के बाद पिछले 2 दिन से थार नगरी में फिर से तेज गर्मी और उमस का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही तीखी किरणों की वजह से शरीर को चुभने लगी है। इस दौरान हवाओं की कमी की वजह से भी उमस भी थार के बाशिंदों को सताने लगी है। एकाएक तेज गर्मी और उमस ने थार के जनजीवन को एक बार फिर झकझोरना शुरू कर दिया है। तेज धूल भरी आंधियों की वजह से लोगों को मिट्टी उड़ने से परेशानियां झेलनी पड़ी थी, तो अब तेज गर्मी और उमस पसीने छुड़ा रही है। इस बीच थार के किसानों को उमस बढ़ने के साथ मानसून की दस्तक का बेसब्री से इंतजार है, तो कई इंद्रदेव बारिश की प्रार्थना करते नजर आते हैं। शनिवार को तेज गर्मी और उमस के बीच बाड़मेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी और उमस बढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही से किसानों को जल्द ही मानसून की बारिश शुरू होने की उम्मीद है। इसी के चलते किसानों ने एक बार फिर खेतों की ओर अपना रुख कर दिया है। हालांकि शनिवार को थार नगरी बाड़मेर में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। गर्मी और उमस का दौर शुरू होने से लोगों को अब जल्द ही मानसून के आने की उम्मीद सजोए बैठे हैं। हालांकि बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस लोगों के पसीने छुड़ा रही है, लेकिन ये उमस थारवासियों को परेशान करने के बजाय बारिश का शगुन दे रही है और इससे थारवासी जल्द ही बारिश होने के प्रति आशान्वित नजर आते हैं।